तो अभी हम बोनिंग के बारे में देखते हैं कि कैसी बोनिंग हम यूज कर सकते हैं इस टाइप में। देखो यहाँ पे हमारी ये, इसको हम रेगलाइन बोनिंग बोलेंगे, मतलब ये ज़्यादा कड़क नहीं होती है, ये इतना ऐसा है, देखो ऐसे ऐसे मुड़ रही है, बट ये स्टिचिंग मार्जिन में नहीं ले सकते। वी कैन वी कांट ऐड इन मार्जिन, मार्जिन सिलाई हम इस पर नहीं मार सकते। ये होती तो थोड़ी सॉफ्ट है लेकिन स्टिफनेस लाएगी हमारे। और ये है प्लास्टिक बोनिंग, मतलब ये प्लास्टिक के वायर जैसा होता है, इसमें 1/2 इंच, 0.25 इंच ऐसे अलग अलग टाइप के आते हैं। हम बैक पे ये प्लास्टिक बोनिंग लगा लेंगे और फ्रंट में रेगलाइन बोनिंग लगा देंगे। तो ये है हमारी रेगलाइन बोनिंग और ये है हमारी प्लास्टिक बोनिंग। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से हमें लगानी है। तो लगाने के लिए हमें यहाँ पे पहले पट्टियाँ कट करनी होंगी, वी हैव टू कट द पट्टी, हमें पट्टियाँ कट करनी होगी। ये थोड़ा ब्रॉड होता है तो अच्छा रहता है, ये 0.25 एंड 0.5 इंचेस में आता है, 0.5 इंच आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 0.25 इंच है। बोनिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो बेल्ट वाला योक पार्ट है अगर वो हम लंबा रखें तो हमारा इस तरह से जमा ना हो, वेस्ट पे जमा हो जाता है। यानी आप हैवी साइज में ऐसा सुनते होंगे कि ब्लाउज ब्लाउज जमा हो जाता है, ब्लाउज का योक, तो ये बोनिंग डालने से ऐसा नहीं होगा। वैसे हम रेगुलर ब्लाउज में बोनिंग यूज़ नहीं कर सकते, बट इस तरह के हैवी ड्रेसेस में हमें लॉन्ग लॉन्ग योक चाहिए होता है, तो योक इस तरह से ना हो जाए इसलिए हम बोनिंग देंगे। बोनिंग का मतलब है हड्डी, यानी कि ये बेस है हमारा, इसके हेल्प से ये इसमें स्टिफनेस आएगी और ये मुड़ेगा नहीं, तो हम इसीलिए ये बोनिंग लगाएंगे। जब भी हमारा योक लंबा होता है तब हम बोनिंग डालते हैं उस ड्रेस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं लगाना। हमें चाहिए रहेंगी कॉटन की फैब्रिक की पट्टियाँ, पट्टी की साइज़ रहेगी 1.5 इंच। ये पट्टियाँ हम यूज़ करेंगे यहाँ लगाने के लिए। इस तरह से जितनी ब्रॉड हमारी बोनिंग रहेगी उससे हल्का सा ज़्यादा हमारा ये होगा ब्रॉड, ताकि हम उसके अंदर डाल सके। तो चलो इतनी पट्टियाँ इनफ है, 1, 2, 3, 4, 5। बैक के पार्ट में भी मार्किंग कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें बोनिंग डालनी है, और हम मेन फैब्रिक के साथ ही स्टिच करेंगे। अभी हमें बैक पार्ट करना है। ये हमारी साइड स्टिचिंग है, साइड स्टिचिंग पार्ट एंड सेंटर पार्ट। एक हम डार्ट पॉइंट पे लगाएंगे। डार्ट पॉइंट हमारा कहाँ होता है, वो हमने पेपर ड्राफ्टिंग पे मार्क किया था, या फिर आप सेंटर भी ले सकते हो मार्जिन छोड़ के, यू कैन टेक सेंटर आफ्टर लीविंग मार्जिन। तो ये इस तरह से ऐसे रखेंगे, और यहाँ इस तरह हम हल्का सा क्रॉस में ले लेते हैं ताकि अच्छा शेप दिखे, और इधर से भी थोड़ा अंदर लेंगे। और पीछे मैं क्रिस क्रॉस डोरी वाला करने वाली हूँ। और एक यहाँ लगा लेते हैं। इस पॉइंट पे ठीक है, ये बोनिंग जो है हम अगर जो हमारी पैटर्न फोटो में दी गई थी अगर मैं उसमें करती तो मैं पूरे में बोनिंग लगाती, अपर चेस्ट से वेस्ट तक प्रिंसेस कट लाइन में। पहले साइड में स्टिच कर लेते हैं। अभी हमें ये पट्टियां लगानी है, विड्थ जो है बोनिंग के जितनी होनी चाहिए, बोनिंग से हल्की सी ज्यादा, देखो इतनी ज्यादा है ये। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ 1/2 1/2 इंच अंदर स्टिच लगा देंगे, ताकि 1/2 इंच तक हमारा पैक हो जाए।
सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। अभी यहाँ पे भी हम हाफ इंच अंदर स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पे मैं ट्रायंगल शेप बनाऊंगी और उसी शेप में मैं बोनिंग डालूंगी। यहाँ पे भी ट्रायंगल शेप। चलो अभी बोनिंग लगा लेंगे। अभी देखो हमें इसी के शेप का ऊपर से हम इसी के शेप में रखेंगे, ऊपर जो शेप जा रहा है ना उसी शेप में हम कट करेंगे। और ये बोनिंग जो है ऐसे होनी चाहिए, देखो रॉन्ग साइड पे इस शेप में ऐसे नहीं होनी चाहिए। डोंट इंसर्ट लाइक दिस, इंसर्ट लाइक दिस। ये जो शेप है वो ऐसा होना चाहिए, ऊपर की तरफ ऐसे आना चाहिए। अभी मैं इसी शेप में कट कर लूँगी ऊपर का। रफ सीजर से कट करना है। अब ऊपर की मार्किंग मैं करूँगी यहाँ की हाफ इंचेस इन साइड, जहाँ हम स्टिच मारेंगे वहाँ हमारी नहीं रहनी चाहिए। We can't stitch on this, so half inches inside. अब ये पहली बोनिंग मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। एक ऊपर का शेप ये जो है ट्रायंगल ऐसा ही आ रहा है। फर्स्ट तो डाल दिया, इतना हमारा मार्जिन रह गया। मार्जिन का हमें अलग रखना है। एक बोनिंग डल चुकी है, नेक्स्ट ऊपर से स्ट्रेट रहेगा। ये भी ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी, इस तरह से हमें डालनी है। फीस के साथ लोगों तो उसमें आ रहा है। सेकंड, अभी ये रेगलाइन बोनिंग जो है वो हमें चुभेगी नहीं। प्लास्टिक बोनिंग को हमें आगे से जलाना पड़ता है। वी हैव टू बर्न प्लास्टिक बोनिंग, बट वी डोंट हैव टू बर्न रेगलाइन बोनिंग। रेगलाइन बोनिंग जो चुभती नहीं है। इसमें तो मैं ट्रायंगल काटूंगी। देखो ट्रायंगल कट, फ्रंट में बोनिंग लग चुकी है, अभी हम बैक में डालते हैं। शेप ऐसा रहना चाहिए। अभी यहाँ मैं प्लास्टिक बोनिंग डाल रही हूँ। इसको हमें आगे से जलाना पड़ेगा क्योंकि प्लास्टिक बोनिंग है। अभी आगे से सॉफ्ट हो गई है। अब जाएगी भी आराम से क्योंकि सॉफ्ट हो चुकी है आगे से। इसका भी शेप ऐसा ही रखना है। अगर ऐसे रखोगे तो आपका अजीब सा शेप हो जाएगा ऐसे सेंटर से, लेकिन ऐसे रखोगे तो आप पहनोगे तो एकदम फिट होगा। अभी तक हम प्लास्टिक बोनिंग यहाँ भी डालेंगे।
अभी हमें यहाँ पे बोनिंग लगानी है तो हम यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। दोनों की लेंथ वैसे तो सेम ही रखनी है। यहाँ पे हम बोनिंग लगाएंगे तो हमारा जमा नहीं होगा, यानी कि जब हम डोरी और लूप वाला करेंगे तो यहाँ पे पूरा ऐसे ऐसे नहीं होगा, श्रिंक्ड नहीं दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा। कैसा लग रहा है?